जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपनी देवियों का। हम हैं मात की नव दुर्गा, मात की हम कितने खुश नसीब है जो नव दुर्गा अपने सोसाइटी में पधारी है और हमें बैठे बैठे उनका दर्शन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का परफॉर्मेंस। साक्षात देवी माता का दर्शन यहाँ पे होने वाला है। मैं नव दुर्गा का पहला रूप बताना चाहता हूँ, शैल पुत्री। शैल यानी पाषाण और पुत्री यानी कन्या, जिनके हाथों में सदा कमल का फूल रहता है। शैल पुत्री, शैलपुत्री माता की जय। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्या के कारण सामर्थ्य प्राप्त होता है और इनकी आराधना से ब्रह्मचर्या के गुण जागृत होने लगते हैं। इनके हाथों में सदा कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी माता की। तीसरा चंद्रघंटा। चंद्रघंटा ये मन के आकर्षण का प्रतीक है, जिनके हाथों में सदा तीर होता है। चंद्रघंटा माता की। चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा यानी नवनिर्मिति और अनंत अस्तित्व की निर्दिष्टता है। हमें ये निर्मिति के लिए ऊर्जा देती है, जिनके हाथों में सदा गदा रहती है। कुष्मांडा माता। पांचवा रूप है स्कंद माता। स्कंद माता ये कार्तिकेय की माता है, शौर्य और निरागसता का ये प्रतीक है, जिनके हाथों में सदा बच्चा होता है। स्कंद माता देवी की। छठवा रूप है कात्यायनी। ये माता मातृत्व का वैशिष्ट दर्शाती है, जिनके हाथों में सदा तलवार रहती है। कात्यायनी माता की। सातवां है काल रात्रि। काल यानी समय और पुनः कार्यक्षम होने के लिए ली गई विश्रांति और आराम, और इनके हाथों में सदा कोयता होता है। काल रात्रि माता की। आठवां रूप है महागौरी। गौर यानी गोरा शुद्धता का प्रतीक है, हाथों में इनके डमरू होता है। महागौरी माता की। अरे जोर से बोलो। नवा रूप है सिद्धि यात्री। प्रावीण्य और मुक्ति ये सिद्धि यात्री ने हमें दिया हुआ आशीर्वाद है और हाथों में इनके सदा चक्र रहता है। सिद्धि यात्री माता की। नवता माता की। ये सभी नव रूप से मिलके एक ही माता होती है, वो है दुर्गा माता, नव दुर्गा माता। हमारे सोसाइटी के तरफ से नव दुर्गा माता को हम प्रणाम करते हैं और आगे का परफॉर्मेंस लुप्त दान। शैलपुत्री च
See you next time.